वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है बीजीए सर्वसमिका। बीजीए सर्वसमिका क्या होती है? आज हम जिस बीजीए सर्वसमिका के बारे में जानेंगे वो है एक्स की घात 2 घटा वाई की घात 2 बराबर एक्स जमा वाई एक्स घटा वाई। इस बीजीय सर्वसमिका को देखने से पहले ये बीजीय सर्वसमिका की हमको जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर एक अध्यापक और एक बच्चे के बीच में डिस्कशन चल रहा है। अध्यापक कहता है बच्चे से, बच्चों 11 की घात 2 घटा 5 की घात 2 का मान कितना होगा? बच्चा कहता है, सर यह तो बहुत आसान है, 11 की घात 2 घटा 5 की घात 2 होता है 11 गुणा 11 घटा 5 गुणा 5। 11 को 11 में गुणा करने के बाद हमारे पास आता है 121 और 5 को 5 में गुणा करने के बाद हमारे पास आता है 25। तो 121 में से 25 को घटा दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 96। अध्यापक कहता है, बहुत बढ़िया सोनू, अब बताओ कि 221 की घात 2 घटा 211 की घात 2 का मान कितना होगा? बच्चा कहता है, सर इस सवाल को हल करने में थोड़ा समय लगेगा। समय क्यों लगेगा? क्योंकि यह थोड़ा कठिन सवाल है। अरे नहीं सोनू, इसका हल तो बहुत आसान है। देखिए 221 की घात 2 घटा 211 की घात 2 को हम 221 जमा 211 और 221 घटा 211 में तोड़ लेते हैं। अब 221 जमा 211 को जोड़ दो और 221 में 211 को घटा दो, उन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए हमारा आंसर आ जाएगा 4320। ये तो बहुत आसान है। यह आया कैसे कि हमने बीजीय सर्वसमिका एक्स की घात 2 घटा वाई की घात 2 को इसमें रख दिया कि एक्स की घात 2 घटा वाई की घात 2 बराबर एक्स जमा वाई एक्स घटा वाई। तो यहाँ पर हमने x जमा वाई और x घटा वाई के फॉर्म में हमने x और y को रख दिया, तो उससे हमारा जो क्वेश्चन था वो जल्दी हल हो गया। सर हमें भी समझाइए यह बीजीय सर्वसमिका क्या है। तो अध्यापक कहता है बच्चे से, देखिए बच्चों जैसे कि ये बीजीय सर्वसमिका है x की घात 2 घटा वाई की घात 2 बराबर x जमा वाई x घटा वाई। अभी आया कैसे? अगर हम x जमा वाई और x घटा वाई को लेते हैं तो ये किसके बराबर आना चाहिए? x की घात 2 घटा y की घात 2 के बराबर आना चाहिए। देखिए अगर मैं पहले वाला x को x घटा y से गुना करता हूँ और दूसरे वाले y को भी मैं x घटा y से गुना करता हूँ, ये मैंने x को x घटा y से गुना किया है जमा y को x घटा y से गुना किया है, तो गुना करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x गुना x घटा x गुना y। ऐसे ही y को x से गुना करने पर y गुना x और y को y से गुना करने के बाद घटा y का घात 2। देखिए आ गया। अब देखिए यहाँ पर घटा का xy है या जमा का xy है, दोनों आपस में कट जाएंगे। बचा क्या? x की घात 2 घटा y की घात 2, जो कि तो इससे तो ये प्रूव हो गया कि x की घात 2 घटा y की घात 2 x जमा y और x घटा y के बराबर होता है। अब हम नीचे कुछ पहले से हल किए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को समझते हैं। जैसे 29 की घात 2 घटा 13 की घात 2, अब इसको हम किससे बदल देंगे? x जमा वाई एक्स घटा वाई से बदल देंगे। तो x हमारा यहाँ पर 29 है और y हमारा 13 है, तो यहाँ हो जाएगा 29+13 29-13। 29-13 कितना होता है? 42 होता है। 29-13 कितना होता है? 16 होता है। और 42 को 16 में गुना करने के बाद हमारे पास आता है 672। अब इसी तरह प्रश्न संख्या 2 को भी देख लेते हैं। 101 की घात 2 घटा 99 की घात 2, यहाँ पर देखिए हमने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई से के फॉर्म में यहाँ पर 101 की घात 2 घटा 99 की घात 2 को रख दिया है। अब 101 में 99 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 200 और 99 को 101 में से घटाते हैं तो हमारे पास आता है 2 और 200 गुना 2 कितना होता है? 400। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। x घटा 4 x जमा 4, अब यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास
दाएं हाथ की तरफ देखिए, यहाँ पर एक्स जमा वाई एक्स घटा वाई है, ऐसे बाई की तरफ एक्स की घात दो घटा वाई की घात दो। हमारे पास जो ये फॉर्म दे रखी है, ये दे रखी है एक्स जमा वाई एक्स घटा वाई। अब इसको बदल देंगे, एक्स की घात दो घटा वाई की घात दो। यहाँ पे एक्स कितना है, एक्स है, वाई कितना है, चार है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स की घात दो घटा चार की घात दो। चार की घात दो का मतलब है चार गुना चार, चार गुना चार कितना होता है, सोलह होता है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात दो घटा सोलह। अब क्वेश्चन नंबर चार को देख लेते, तीन घटा दो एक्स, तीन जमा दो एक्स। अब तीन घटा दो एक्स, तो यहाँ पर एक्स क्या हो गया, तीन हो गया, और वाई क्या हो गया, दो एक्स हो गया। तो हमारा फॉर्मूला जो पुट करने के बाद हमारे पास आएगा, तीन की घात दो घटा दो एक्स की घात दो। तीन की घात दो का मतलब तीन गुना तीन यानी नौ, और दो एक्स की घात दो का मतलब है दो दूनी चार, चार एक्स की घात दो। अब हम कुछ अनसोल्व क्वेश्चन को करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सैंतालीस की घात दो घटा तिरालीस की घात दो। प्रश्न संख्या एक, सैंतालीस की घात दो घटा तिरालीस की घात दो। देखिए इसको हम x जमा वाई और x घटा वाई के फॉर्म में रख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, सैंतालीस जमा तिरालीस और सैंतालीस घटा तिरालीस। सैंतालीस में तिरालीस को जोड़िए नब्बे आएगा, और सैंतालीस में तिरालीस को घटाइए चार आएगा। नब्बे गुना चार होता है तीन सौ साठ। प्रश्न संख्या दो को देखते हैं, एक सौ एक की घात दो घटा निन्यानवे की घात दो को भी हम x जमा वाई और x घटा वाई के फॉर्म में रखते हैं, तो ये हमारा आएगा 101 जमा दो निन्यानवे और 101 घटा निन्यानवे। 101 जमा निन्यानवे होता है 200 और 101 घटा निन्यानवे होता है 2, तो 200 को 2 से गुना करने के बाद आएगा 400। प्रश्न संख्या तीन को देखते हैं, x जमा दो x घटा दो। यहाँ पर x जमा वाई x घटा वाई के फॉर्म में पहले चाहिए, तो इसको हम x की घात दो घटा वाई की घात दो के फॉर्म में रखेंगे, तो यहाँ पर x हमारे पास x ही है और y कितना है, दो है, तो हमारे पास आ जाएगा x की घात दो घटा दो की घात दो। दो की घात दो चार होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात दो घटा चार। अब हम प्रश्न संख्या चार को देखते हैं, जैसे कि ये x प्लस वाई और x घटा वाई के फॉर्म में पहले से ही है, यहाँ हम इसको x की घात दो घटा वाई की घात दो के फॉर्म में रख देंगे, तो ये आ जाएगा तीन एक्स की घात दो घटा एक की घात दो, क्योंकि यहाँ पर x हमारे पास तीन एक्स है और y एक है। तीन एक्स की घात दो होता है नौ एक्स की घात दो और एक की घात दो होता है एक, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा नौ एक्स की घात दो घटा एक। बच्चों यह थी आपकी वर्कशीट नंबर 13। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।